तो आज आपका है रे ऑप्टिक्स, ये भी कंटिन्यू कर रहे हैं प्रिज्म फॉर्मूला कर रहे हैं, ठीक। कल जो हमने एंड किया था अपना लेक्चर वो था डिविएशन प्रिज्म फॉर्मूला से, वो डिविएशन की फॉर्मूला जो कल हमने देखी थी, डिविएशन प्रोड्यूस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। Delta is the deviation produced by the prism when light is incident upon it. I is the angle of incidence. E is the angle of emergence, and A is the angle of prism. From this relation, we see that since I is dependent upon angle of incidence, angle of emergence depends upon angle of incidence. यानी angle of incidence जिस जो होगा उसी हिसाब से angle of emergence भी होगा, ये तो clear. ए जो है एंगल ऑफ प्रिज्म इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो जो डिविएशन किस पे डिपेंड करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। डिविएशन डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई, यानी कितनी डिविएशन जब प्रिज्म से लाइट जाएगी उसमें कितनी डिविएशन, यानी ओरिजिनल डायरेक्शन जो थी उससे कितना वो मुड़ जाएगी, वो डिपेंड करता है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ठीक। सो ये आपको पता होना चाहिए डिविएशन किस पे डिपेंड होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। नाउ इफ वी प्लॉट अ ग्राफ और ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई, बिटवीन यानी डेल्टा आई ग्राफ हम उसको कहेंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और डिविएशन कितनी वो प्रोड्यूस करेगा। अगर हम एक ग्राफ डालेंगे, ये आपको प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल में भी है ये करना, तो अगर हम ग्राफ डालेंगे यहां से हम डालेंगे डिविएशन डेल्टा, यहां से डालेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब हम प्लॉट करते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई, पहले जब छोटा एंगल होता है तो ये डिविएशन ज्यादा होती है, जब एंगल बढ़ने लगता है इंक्रीज होने लगता है तो यहाँ पे आता है ये डिक्रीज होता है डिक्रीज और एक पॉइंट आता है ये मिनिमम हो जाता है। उसके बाद अगर फिर से एंगल को इंक्रीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो ये फिर से इंक्रीज होता है, ठीक। यानी अगर चूंकि ओरिजिन इसका ये है, ठीक, अलोंग एक्स एक्सिस हम आई को प्लॉट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां से डिविएशन, तो जैसे ही छोटा, तो यहां से छोटा हो गया एंगल, यहां से बढ़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो डिविएशन उसमें ज्यादा पैदा होती है, ठीक। जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं डिविएशन छोटी छोटी होती है, छोटी छोटी। तो एक टाइम आता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा बन जाता है कि डिविएशन सबसे कम प्रोड्यूस हो, उसको कहते हैं हम मिनिमम डिविएशन डेल्टा, यहां डेल्टा एम, या डेल्टा एम लिखते हैं उसको, या डी एम, ठीक। तो ये मिनिमम डिविएशन पोजीशन, उस वक्त क्या होता है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस उस वक्त होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, बराबर एंगल ऑफ इमर्जेंस का मिनिमम डिविएशन पोजिशन। और जब मिनिमम डिविएशन पैदा होती है प्रिज्म में, हम कहते हैं प्रिज्म इज प्लेस्ड इन मिनिमम डिविएशन पोजिशन। सो एट मिनिमम डिविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी अगर ये प्रिज्म है ए बी एंड सी, ये लाइट इंसिडेंट है अपॉन दिस, ठीक, तो ये ऐसे चली जाएगी। अगर मैं यहाँ नॉर्मल डालू, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ नॉर्मल डालू ये इमर्जेंट रे है, ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। जब ये मिनिमम डिविएशन पोजिशन पे होता है, ये एंगल आई और ई दोनों बराबर, ये नॉर्मल है यहाँ पर एन टू, ये नॉर्मल एन वन है यहाँ, बात समझ में आई। तो एन वन ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर, यानी सिमेट्रिक होता है ये प्लेस, ये जो प्रिज्म है। यानी हम अगर रे ऑफ लाइट जो है, अगर मैं यहां से इंसिडेंट लाइट डालू वो एंगल आई बनेगा, अगर यहां से डालू तो फिर ई आएगा, क्योंकि ये दोनों वी कैन इंटरचेंज आई विद ई,
ठीक. सो व्हाट इज व्हेन द प्रिज्म इज इन मिनिमम डिविएशन, द प्रिज्म इज सेड टू बी इन मिनिमम डिविएशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. बट दिस डिपेंड्स अपॉन द एंगल क्या है हम प्रिज्म का, एंगल क्या है उसका, जो मटेरियल जिससे बना है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, और लाइट कौन सी हमने यूज की उसकी बिहेवियर क्या है. फॉर अ गिवन प्रिज्म हैविंग अ गिवन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड अंडर व्हेन गिवन वेवलेंथ इज यूज्ड द मिनिमम दिस मिनिमम डिविएशन फॉर अ गिवन प्रिज्म विल बी यूनिक, यानी उस प्रिज्म के लिए वही होगा. दूसरा प्रिज्म अगर दूसरे मटेरियल का जिसका डिफरेंट एंगल ऑफ प्रिज्म हो उसके लिए मिनिमम डिविएशन पोजिशन डिफरेंट होगी. ठीक, समझ में आई? यस सर. ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, देयर इज वन एंड ओनली वन, एक और सिर्फ एक, ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म इज यानी देर इज वन एंड ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस, सिर्फ एक और एक ही है, कोई और एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा एक गिवन प्रिज्म के लिए, और जिसकी एक वेव लेंथ अगर हमने यूज की होगी, यानी अगर जो लाइट डाल रहे हैं उसकी वेव लेंथ हमने चेंज नहीं की. अगर रेड कलर ही की तो उसको व्हाइट नहीं बनाया, अगर व्हाइट है तो उसको रेड कलर के, तो एक कलर के लिए एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसके लिए उसकी ये जो पोजीशन होगी मिनिमम डिविएशन होगी. ठीक, बात समझ में आई? कोई दूसरा एंगल नहीं होगा. मिसाल अगर ये प्रिज्म है इसको 42 डिग्री पे आता है मिनिमम डिविएशन, तो डिविएशन क्या हो गई, देखो ये अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये लाइट सीधे ऐसे चली जाए. डिविएशन क्या हो गया, जो एंगल मेजर बाय द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स, ये डिविएशन आ गई. ये कल मैंने आपको दिखाया. तो डिविएशन कम से कम कब आएगी, जब प्रिज्म होगा मिनिमम डिविएशन पोजिशन पे और वो एंगल यूनिक होगा फॉर अ गिवन वेवलेंथ फॉर अ गिवन प्रिज्म ऑफ गिवन वेव रिफ्लेक्टिव. ये ठीक है, ये हो गया मिनिमम डिविएशन होती क्या है. अब उसकी कंडीशंस क्या होती है, ठीक, ये हो गया मिनिमम डिविएशन क्या. ये ग्राफ अगर भी क्वेश्चन आएगा तो ये ग्राफ आपको प्लॉट करना है, फिर कंडीशंस कैसे निकालेंगे. तो वो लिखेंगे हम conditions for minimum deviation, delta m लिखते हैं या dm, कुछ बुक्स dm लिखती है कुछ delta m लिखती है. ठीक, अच्छा, in the minimum deviation position the prism lies symmetrically with respect to the incident and emergent ray. जो prism होता है वो symmetrically placed होता है with respect to incident ray and refractive. This is incident ray, this is refractive ray. तो ये जो angle होगा E, ये I के बराबर, ठीक है ना. तो हम कहेंगे ये symmetrically placed है prism with respect to incident ray and refractive. और उस वक्त क्या होता है मिनिमम डिविजन, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक, अब इसका प्रूफ देखो, यहां पर क्या है, मिसाल के तौर पर ये हमने एयर में रखा है ये प्रिज्म, सो यहां से भी एयर है यहां से भी एयर है, और ये मिसाल के तौर पर ये ग्लास का बना है प्रिज्म. नाउ वी नो दैट ए एन जी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर ए, वो क्या होता है, दैट इज यहां कौन सा एंगल है, साइन आई, डेफिनेशन ऑफ दिस सिनेल्स लॉ से साइन, यहां जो होता है
ऐसे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर बनता है आर वन, जो मैंने कल आपको बताया था। यहाँ पास वो डायग्राम थी, ये वाली देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन। तो जब मैं यहां लगाऊंगा स्नेल्स लॉ, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन आई बाई साइन आर वन, ठीक, इज इक्वल टू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्योंकि लाइट आती है एयर से ग्लास में, तो इसीलिए यहां पर हमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी एब्सोल्यूट विद रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन आई बाई आर। ठीक, जब यहां पर लाइट अब रिफ्रैक्ट होके चली गई, यहां जब यहां पर पहुंचेगी, तो जहां जब मैं यहां पर पॉइंट एफ पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, उधर क्या होगा, अब गिलास से निकल, अब कहां से निकल रही है, गिलास से हवा में निकल रही है, तो हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू गिलास। लेकिन यहां पर कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहां पर, क्योंकि डेंसर से निकल रही, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है आर टू और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ई, ठीक है ना। सो वी कैन राइट इट दैट साइन आर टू डिवाइडेड बाय साइन ई। ठीक, हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में जाना था कि वन दिस अगर जब वो अप्लाई करेंगे हम लिख सकते हैं ए एन जी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू वन बाय रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। ये हमने किसे किया था, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये हमने किया करवाया था। ठीक है, तो यहां ये दोनों हम अप्लाई करेंगे यहां पर, तो यहां क्या बनेगा, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू वन बाय साइन आर आर वन, ठीक है ना, साइन आर टू डिवाइडेड बाय साइन ई, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, दिस विल गो अपवर्ड्स एंड सो विल गेट साइन आई डिवाइड बाई साइन आर वन विल बी इक्वल टू साइन ई डिवाइडेड बाई साइन आर टू। नाउ इन मिनिमम डिविएशन पोजिशन, इन मिनिमम डिविएशन पोजिशन वट वी हैव आई इज इक्वल टू ई विच इम्प्लाइज दैट साइन आई इज इक्वल टू साइन, अगर साइन आई ई के बराबर तो उसका मतलब है साइन आई इज इक्वल साइन। तो जब हम यहां पर लगाएंगे तो ये क्योंकि साइन आई ये भी सब ये इक्वल है तो ये कैंसल हो जाएंगे, सो व्हाट वी विल गेट कैंसिलिंग दैट फैक्टर वी विल गेट वन बाय साइन आर वन इज इक्वल टू वन बाय साइन आर टू विच इम्प्लाइज दैट साइन आर वन इज इक्वल टू साइन आर टू विच इम्प्लाइज दैट आर वन इज इक्वल टू आर टू। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये जो R1 उस वक्त किसके बराबर बनेगा, R1 और R2 दोनों आपस में बराबर होंगे, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी, याद रखो ये ऑब्जेक्टिव में आता है, मिनिमम डिविएशन पोजीशन पे एंगल ऑफ दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर भी और यहां पर भी इक्वल होते हैं, और ये जो रे ऑफ लाइट है इट विल बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक, इन दिस पोजिशन इन द मिनिमम डिविएशन पोजिशन द रिफ्रैक्टेड रे इज ऑलवेज पैरेलल टू, इन मिनिमम डिविएशन पोजिशन, अगर कोई अदर पोजिशन होगी उसमें ये पैरेलल नहीं होगी बेस के, बट इन मिनिमम डिविएशन पोजिशन द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द दिस बेस ऑफ द प्रिज्म एंड एंगल ऑफ बोथ ऑफ दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इक्वल। क्लियर, सो हमने जाना आर वन और आर टू बराबर है, लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वल टू आर, क्योंकि बराबर है दोनों, हमने इसको तो हमने देखा जब मिनिमम डिविएशन पोजीशन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है और दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होते हैं, हमने आर। कल हमने एक फॉर्मूला की थी
वो जो कल हमने फॉर्मूला, ये तो प्रूफ निकला हमें ठीक, इसमें कल हमने एक फॉर्मूला की थी, क्या की थी, जो हमने डिविएशन वाली, तो हम ये जो चीजें हमें मिली, हमें मिली, हम इसे रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ द ग्लास जो प्रिज्म बना है, इन कंडीशन से, मिनिमम डिविएशन कंडीशन से इस प्रिज्म का हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ढूंढ सकते हैं. सो वी विल फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म. ठीक, यही कंडीशंस लेके हम निकाल सकते हैं. तो कल हमने जो फॉर्मूला की थी, डिविएशन जो निकाली थी कल हमने, वो डेल्टा डिविएशन प्रोड्यूस्ड इन द लाइट बाय द प्रिज्म व्हेन लाइट पासेस थ्रू इट इज इक्वल टू आई एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये हमने कल की थी, माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म. दिस इज इक्वेशन. नाउ ऑल्सो हमने क्या निकाला था कल, एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ये हमने कल निकाला. ठीक, so when the prism is in minimum deviation position, when the prism is in minimum deviation position, then delta को हम लिखते हैं delta m का या dm. ठीक, i किसके बराबर बनता है, e, R1 इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर, ये हमने देखा यहां पर, यही कंडीशन यहां पर अप्लाई. सो अप्लाइंग दीज कंडीशन टू वन, व्हाट विल गेट, डेल्टा क्या बनेगा, डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन, ई क्या बनेगा, आई के बराबर, है ना, ई बनेगा आई के बराबर. सो ये क्या आएगा, आई प्लस आई, सो दैट विल बी टू आई. ठीक है ना, ए किसके बराबर बनेगा, देखो ए यहां पर बनेगा टू आई माइनस ए, चलो लिखो इसको तीन. Now, जब हमने आर वन इज इक्वल आर टू इज इक्वल आर, तो ए किसके बराबर बनेगा, जब इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे ये बनेगा आर प्लस आर दैट इज टू आर, और इंप्लाइज दैट आर विल बी इक्वल टू ए बाई टू. तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हैं, वो क्या निकलेगा हमें, इट विल बी, इसमें से हम आई निकालेंगे तो डेल्टा डेल्टा एम प्लस ए, इसको ट्रांसफर कर रहा हूं इस इक्वेशन से, डिवाइड बाय टू, ये आपका बनेगा एंगल आई, और आर हमने यहां पर निकाल के रखा ए बाई टू. अब लगाएंगे हम, क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ढूंढना है, सो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई बाई साइन आर, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन. ठीक, सो एन इज फॉर साइन एवर साइन. तो यहां से ये इक्वेशन थ्री था, लेट अस से दिस इज फोर एंड दिस इज फाइव. सो व्हाट विल गेट, आई तो हमें इसके बराबर है, तो ये बन सकता है साइन, सबस्टिट्यूटिंग साइन आई के बदले में क्या लिखेंगे, डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय आर साइन आर, तो साइन तो लिखूंगा ही, आर आर किसके बराबर है, ए बाई टू. दिस इज द रिलेशन, साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई टू साइन ए बाई टू. ये टू कैंसल नहीं होगा क्योंकि ये एंगल में है. आप बोलोगे भाई सर ये टू कैंसल करो, ये नहीं होगा क्योंकि इसके एंगल आर्ग्यूमेंट में, आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई आर्ग्यूमेंट से होता है जब अंदर. तो ये फॉर्मूला क्या निकली हमें, फॉर्मूला रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, अगर आपको ढूंढना है किसी प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो क्या लिखोगे आप, फॉर्मूला साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. इसमें क्वेश्चन या पूरा करने, मतलब क्वेश्चन नहीं आता है पूरा या न्यूमेरिकल. ठीक, ये हमने किया, इज इट क्लियर, यस सर. इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म. ठीक है, अब एक कंडीशन होती है थिन प्रिज्म, प्रिज्म अगर थिन हो, थिन प्रिज्म का मतलब होता है जिसका एंगल
जो प्रिज्म का एंगल है ये ए, जो एंगल ऑफ प्रिज्म ए होता है, इट शुड बी लेस देन, कुछ बुक्स 10 डिग्रीज लिखती हैं या कुछ बुक्स 6 डिग्री लिखती हैं, यानी ये होना चाहिए 10 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रिज्म को हम तभी छिन्न कहेंगे जब एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री, 10 डिग्री या लेस देन 10 डिग्री, ठीक, तब हम उसको थिन प्रिज्म कहेंगे। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ थिन थिन प्रिज्म, ठीक है। सो डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑफ अ थिन प्रिज्म, ठीक है। नाउ अभी हमने प्रिज्म फॉर्मूला से देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, साइन ऑफ ए जिस डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू। नाउ इफ दिस डेल्टा एम, ये जो एंगल है इसका, प्लस ए बाय टू इज स्मॉल, इज ए इज स्मॉल, देन वी कैन रिप्लेस, वी कैन रिप्लेस, जैसे अगर साइन थीटा, अगर थीटा स्मॉल है, वी कैन राइट इट एज सिंपली थीटा, ठीक। इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, देन वी कैन राइट साइन थीटा इक्वल थीटा। तो चूंकि यहां थीटा एंगल स्मॉल है, वेरी स्मॉल, ये सारा ये जो एंगल बनता है छोटा होता है, सो वी कैन रिप्लेस एन इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, साइन को हम नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, यहां भी साइन है उसको नहीं लिखेंगे, ए बाय टू। नाउ टू एंड टू विल कैंसिल बिकॉज ये अब आर्गुमेंट में नहीं है, ठीक। तो ये क्या बनेगा, एन विल बी इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाय ए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एन ए विल बी इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, इसको डेल्टा इसको अरेंज करेंगे टर्म्स को और कॉमन निकालेंगे, दिस अरेंज करेंगे, एन ए माइनस ए ले लो इधर, ये बनेगा डेल्टा एम, और डेल्टा एम कैन बी, इसमें ए कॉमन निकालो एन माइनस, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिनिमम डिविएशन, ठीक है ना, मिनिमम डिविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी निकालना चाहिए तो ये एन निकालो, ठीक है। फॉर्मूला फॉर थिन एंगल प्रिज्म क्या है, डेल्टा एम इज इक्वल टू ए इंटू एन माइनस वन, ठीक है। डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय सच अ प्रिज्म इज थिन एंगल प्रिज्म।